इस पद के माध्यम से मीरा जी कभी कृष्ण पर लाड करती हैं तो कभी उन्हें उल्हाना देती हैं, तो कभी उनके गान तो कभी उनके स्मरण में व्याकुल हो उठती हैं। कभी कभी तो कृष्ण के कर्तव्य की याद दिलाने में भी देर नहीं करती। तो चलिए शुरू करते हैं। वह कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, मीन्स हरि आप जन, जन का मतलब है लोग, की भीर, भीर का मतलब होता है दुख। तो वे कहती हैं, हे कृष्ण आप जन मीन्स लोगों की दुख का दुख को दूर करते हैं। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, अर्थात आपने द्रौपदी की लाज रखी और आपने ही न खत्म होने वाला चीर अर्थात वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की इज्जत रखी। तीसरी लाइन में, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, भक्त के कारण आपने नर हरि मीन्स नरसिंह का रूप धारण किया और अपने भक्त की जान, भक्त कौन था, प्रहलाद की जान बचाई। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, इसके अलावा जब कुंजर मतलब गजराज हाथी को जब एक मगरमच्छ ने अपने चंगुल में फंसा लिया था तो आपने उनकी जान बचाई। दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी पीर, यहाँ वो कहती हैं, हे कृष्ण मैं आपकी दासी हूँ और जिस तरह आपने दूसरों के दुख दूर किए हैं मैं आपकी दासी मीरा का भी दुख दूर करो। पद दो, इस पद के माध्यम से वह कहती हैं कि हे श्याम मुझे अपना आप चाकर और नौकर रख लो। श्याम महाने चाकर रखो, श्याम जी मुझे, महाने का मतलब है मुझे, चाकर रख लो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर रख लो जी, हे गिरधारी मुझे अपना नौकर रख लो। चाकर रस्यूं बाग लगायूं नित उठ दर्शन पायसूं, वे कहती हैं कि नौकर बनकर वह उनके बाग लगाएंगी और अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन पा सकेंगी। वृंदावन रीकुंज गली में गोविंद लीला गायसु, मतलब वृंदावन की कुंज गली, कुंज मीन्स सकरी गली में गोविंद के लीला को, उनके लीला को गाएंगी। चाकरी में दर्शन पायोसी सुमरण पायोसी खर्ची, चाकर करने से मीन्स उनके नौकर बनने से उनके दर्शन होंगे। सुमिरन पायोसी खर्ची, खर्ची का मतलब है वेतन में वो सुमिरन पाएंगी। भाव भक्ति जागीर पायोसी, और तीसरी चीज़ वो पाएंगी जागीर में, वो भाव भक्ति पाएंगी मीन्स भक्ति उनको जागीर में मिलेगी। तीन बाता सरसी, मतलब तीन चीज़ें उनको इससे मिलेंगी। आगे वे श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कहते हुए कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गज वैजंती माला वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण जी अपने पीतांबर कपड़ों में, पीले वस्त्रों में, मोर मुकुट के साथ और गले में वैजंती माला धारण करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। वृंदावन में धेनु चरावे मीन्स वृंदावन में वो गाय चराते हैं, मोहन मुरली वाला, और मुरली जो है मोहन मुरली वाले मीन्स श्री कृष्ण जी जो वृंदावन में धेनु गाय चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बरनाव बीच बीच राखू बारी के, महल का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उन्होंने अपने महल बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं और बीच बीच में बारी का मतलब है खिड़कियां हैं। सांवरियाँ रा दर्शन पायसूँ पहर कुसुम भी साड़ी, कुसुम रंग की साड़ी पहन करके वो अपने सांवरियाँ श्री कृष्ण जी के दर्शन पाना चाहती हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी के तीरे मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो धरो अधीरा। इस लास्ट दो पंक्ति में वे कहना चाहती हैं कि जमुना नदी के किनारे तीराम मतलब तीर के मतलब किनारे प्रभु मेरे आधी रात को दर्शन दीजिएगा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा का जो हृदय है
हृदय मीन्स हृदय अधीर हो रहा है, अर्थात मीरा का जो हृदय है वो उनके दर्शन के लिए अधीर हो रहा है।